जो लोग बनाते हैं ये कौन सा नशा करते हैं, मुझे आज तक ये मैं वो ढूंढ रहा हूं कि वो नशा कौन कैसा करते हैं और कौन करवाता है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 जहां पे तालिबान बैठा है। इंडिया की एजुकेशन हो या इंडिया को, वो कहते हैं ना भाग लग गए, भाग लग गए, तो आज इंडिया की हर चीज सोने की हो गई, उनका कोयला भी सोने का हो गया। मगर कुछ बरस पहले की ही बात है, इन्हीं गांव के देहात के इलाके थे जिनके आज आप कह रहे हैं कि हर जगह स्कूल मिल जाएगा, वहां पे शौचालय के नारे लगाए जाते थे, शौचालय तक मुहैया नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में शौचालय से स्कूल तक का सफर भी तय हो गया? सर्टिफिकेट्स, आप अपनी प्रेस को देखिए जरा पहले, आपकी प्रेस किस लेवल पे करप्ट है और आपकी प्रेस किस लेवल पे गेम खेलती है, किस लेवल पे आपकी प्रेस गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती है। मैं अगर आप आपको टैग किया क्योंकि आपके कंट्री में टैग हो गया, एविडेंस आपके हाथ में था नहीं था वी डोंट नो, लेकिन थ्रेट परसेप्शन आप दूसरे कंट्री को एनेक्स कर सकते हैं। क्या रशिया के पास वो राइट नहीं है? क्या आप थ्रेट परसेप्शन पे वो किसी भी अटैक कर ले? रशिया आपने डिमोनाइज कर रखा है। तो ये अमेरिकन्स ने खुद सिलेक्ट किया है एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे को एज अ सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि हिस्ट्री में शायद पहली दफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी तो आप अमेरिकन्स को वो कर रहे थे कि अमेरिकन्स ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, लेकिन ये डिसीजन भी तो अमेरिकन्स का है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम है आपके कंट्री में हमें अच्छी तरह से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जर्नलिस्ट को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है सब पता है। और इंडिया में फ्रीडम नहीं है? क्या आरफा खान हम यही नहीं बैठे? क्या ये क्या राणा अयूब यही नहीं बैठे? क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो है ये आया है और वो झूठ हो सकता है। अटैक की बात हो तो पाकिस्तान ने करवाया है। करप्शन की बात हो हर मुल्क में होती है, हर चीज में। अब इंडियंस ठीक है, एक पॉजिटिव साइड हो गई, बहुत पॉजिटिव, चलो 80% भी पॉजिटिव हो गया, 20% भी इंडियंस एडमिट करने को तैयार नहीं है कि वहां गलत कुछ हो सकता है, हो रहा है, या हुआ होगा, या होगा। मेरा और आपका YouTube चैनल, आज हमारे साथ बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से रोहित शर्मा जी इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनके YouTube का चैनल भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, इनके चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इनसे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोहित जी, आपने टाइम निकाला मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए। थैंक्स अ लॉट महवेश जी फॉर कॉलिंग, और बड़ा अच्छा चैनल चलाती हैं आप, बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी वंडरफुल। आपकी एक फैन थैंक यू फॉलोइंग है इंडिया में। थैंक यू सो मच सर, प्लेयर इज ऑल माइन, आप ही से तो सीखा है। खैर, मेरा आज का बहुत ही मेजर सवाल ये है कि पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम नहीं है, बट ऑन अनदर हैंड साइड हर साल जो हमारे पास एक लिस्ट आती है फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से, उसमें इंडिया 11 ग्रेड नीचे स्लाइड की है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, श्रीलंका की और अफगानिस्तान की, तो इनसे भी नीचे स्टैंड कर रहा है। मुझे बताएं क्या वो जो सारी चीजें हम सुनते और देखते आ रहे हैं अबाउट इंडिया, वो गलत है? इंडिया में फ्रीडम इंडेक्स को लेके अगर हम उसको देखते हुए इंडिया के सिनेरियोज को देखें तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, क्या रीजन है? ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो लोग बनाते हैं ये कौन सा नशा करते हैं, मुझे आज तक ये मैं वो ढूंढ रहा हूं कि वो नशा कौन कैसा करते हैं और कौन करवाता है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 जहां पे तालिबान बैठा है, पाकिस्तान की रैंकिंग 150, श्रीलंका की, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ श्रीलंका में फ्री प्रेस हो सकती है, इंडिया की रैंकिंग 160, अफगानिस्तान से भी खराब है इंडिया की पोजीशन, जहां तालिबान ने सीधे गोली मार देता है, कोई कोर्ट वोट नहीं चलती। ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है ये बनाता कौन? ये यूरोपियंस बनाते हैं और अमेरिकन बनाते हैं, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज्यादा फ्री हैं। चाहे जूलियन असेंज को इन्हीं कंट्री में कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया कि इनके इनको रहने, जूलियन असेंज आज तक धक्के खा रहा बेचारा, उसने क्या किया था? उसने तो कुछ नहीं किया था, उसने तो सिर्फ अमेरिकन केबल्स बताए थे, ठीक है, वो बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है उस पर केस भी हो गया हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है नरेंद्र मोदी पे। मैंने तो आज तक जलियांवाला बाग पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मैंने आज तक नहीं देखा। गल्फ वॉर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी भाई साहब, जो बीबीसी ने बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री सही थी, डॉक्यूमेंट्री सही थी, उसमें बोला गया था कि
ये फैब्रिकेटेड एविडेंस पे गल्फ वॉर हुई है। उसके बाद हुआ क्या, हटन्स कमीशन आया, डॉक्टर केली की डेथ हुई उस केस में, हटन्स कमीशन आया, हटन्स कमीशन ने उस बीबीसी को पनिशमेंट करके चार में तोड़ दिया, उस पर कोई माफी नहीं आई कि बीबीसी की रिपोर्ट सही थी। ये जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, ये सिचुएशन क्या है, ये लोग अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम है। कितनी फ्रीडम है आपके कंट्री में हमें अच्छी तरह से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जर्नलिस्ट को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है सब पता है। और इंडिया में फ्रीडम नहीं है क्या, आरफा खान हम यहीं नहीं बैठे क्या, ये क्या राणा अयूब यहीं नहीं बैठे क्या, दूसरे लोग रवीश कुमार यहीं नहीं बैठे, इसी कंट्री में बैठे ना आप, अजीत अंजुम को देख सकते हैं, सब के अपने अपने चैनल्स में जब बैठे थे तो भी वो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, आज यूट्यूब बना रखा है तो भी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, सर, तो वायर क्या बोल आप रहा है, क्विंट फॉरम, बोल रहा है। या क्या आप फॉरम फ्रीडम इंडेक्स की इस रिपोर्ट से डिनाई कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, ये न्यूज़? नहीं, इट इज नॉट अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। मैं ये बात तो नहीं बोल रहा कि वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कौन सा नशा करने के बाद ये बनाते हैं ये लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा सुल्फा लगाते हैं, सफेद रंग का है काले रंग का है, वो लिक्विड है या क्या है, कौन सा नशा है ये लोग, ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा काबिल हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज थर्ड वर्ल्ड। इन लोगों को ये दिखा नहीं, जापान की प्रेस बहुत फ्री है इनके लिए, है ना, इनके लिए अमेरिका की प्रेस बहुत फ्री है, चाइना नीचे होगा नो डाउट अबाउट इट, है ना, चाइना तो होना भी चाहिए, डिक्टेटरशिप है। इंडिया कौन सी डिक्टेटरशिप है भाई, आप जो इंडिया की प्रेस को फ्रीडम, कोई आपके पास कहीं पे कोई एविडेंस होगा क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस कंट्री में कंडेम नहीं किया जाता तो फ्री कैसे नहीं है हमारी प्रेस, कोई बताएगा ये बात, ये वर्ल्ड फ्रीडम। अच्छा फ्री इनकी, इनकी प्रेस कितनी फ्री है पता है, इनकी प्रेस कभी कितनी बुराई करती है, इनकी प्रेस बताती है कि इनके इनके कंट्री में हो क्या रहा है, इनकी प्रेस बताती है कितनी यूरोपियन, रुवांडा में जेनोसाइड हुआ इनकी प्रेस ने क्या छापा था मुझे पता है, इनकी प्रेस ने क्वेश्चंस पूछे थे क्या यूएन से कि ये जेनोसाइड हो रहा है, नहीं, जेनोटाइज वो रुवांडा जेनोसाइड वॉज 100 times फास्टर देन हिटलर जेनोसाइड, किसी ने आज तक बोला नहीं, और कितनी आवाजें उठी उस पर, कोई आवाज नहीं उठी। इनकी इनकी अपने न्यूयॉर्क में बैठे हुए वो जर्नलिस्ट जो कि शायद अमेरिका के की जो रूलिंग एलिट है उसमें कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते रहते हैं, वो तो क्वेश्चंस पूछते नहीं ना, इनके इनकी जो गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी, इराक वॉर हुई तो इराक वॉर पे कितने कंट्रीज से कितनी इनकी प्रेस ने उसके खिलाफ बोला मुझे तो नहीं दिखा बहुत ज्यादा ना, अगर अगर बहुत ज्यादा माहौल बनाया होता इनकी प्रेस ने तो इराक वॉर होती ही नहीं, और प्योर फेक एविडेंस पे इराक वॉर हुई थी। ये हमें बताएंगे कि प्रेस फ्रीडम क्या होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब पहले ही बोल चुके हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसा यूरोप मानता है, और ये भी मानता है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती। हम इस एजम्पशन से बाहर काम करते हैं, हम इस एजम्पशन को सपोर्ट नहीं करते। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है यही लोग यूरोपियंस यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन बनाते हैं, हमें दोनों एक बार, हम बताते हैं आपकी प्रेस कितनी फ्री है, हम बताते हैं ना, वी हैव इनफ ऑफ एविडेंस फॉर दैट। यूक्रेन वॉर की रियालिटी कोई बताना चाहेगा, जानना चाहते हैं हम यूक्रेन वॉर की रियालिटी, रशिया के पास भी एक एक वो है, आप थ्रेट परसेप्शन पे किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं, आपने इराक पे अटैक किया थ्रेट परसेप्शन पे, आपने अफगानिस्तान पे अटैक किया क्योंकि आपके कंट्री में अटैक हो गया, एविडेंस आपके हाथ में था नहीं था वी डोंट नो, लेकिन थ्रेट परसेप्शन आप दूसरे कंट्री को एनेक्स कर सकते हैं। क्या रशिया के पास वो राइट नहीं है क्या, आप थ्रेट परसेप्शन पे वो किसी भी अटैक कर ले, रशिया आपने डिमोनाइज कर रखा है। तो ये जो सुप्रीमेसी है इन सबकी, मैं इस सुप्रीमेसी को मानता ही नहीं हूं। ये जो बोलते हैं इनके इंडेक्स जो आते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो, अभी मैं देख रहा था कनाडा में आदमी आदमी खाना नहीं खरीद पा रहा, कनाडा में हालत ये है, कनाडा की कैनेडियंस जो इंडियंस कनाडा गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं और कुछ वापस आ गए हैं क्योंकि कनाडा में इतनी बुरी हालत हो गई है, जो जो एक कमरा पहले $300 का मिल रहा था आज $500 का मिल रहा है, वहां पे ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, खाना खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है कि लोगों के लिए चलाना मुश्किल हो रहा है, खाना मकान खरीदना तो बहुत बहुत दूर की बात। और ये सिचुएशन अकेले कनाडा में नहीं है, ज्यादातर यूरोप में,
तो ये सोचने वाली बात है कि भाई आप हमें दे रहे हो, आप हमें सर्टिफिकेट बांटते हो, ये यू डू नॉट हैव द राइट टू गिव दीज सर्टिफिकेट्स। आप अपने प्रेस को देखिए जरा पहले, आपकी प्रेस किस लेवल पे करप्ट है और आपकी प्रेस किस लेवल पे गेम खेलती है, किस लेवल पे आपकी प्रेस गवर्नमेंट के इशारों पर नाचती है। मैं अगर आपको आप 20 एग्जाम्पल्स बता सकता हूं इनकी, आपकी मीन्स इन वाइट्स की प्रेस, यानी कि यूरोपियन प्रेस और अमेरिकन प्रेस, ये सारे के सारे इस समय यूक्रेन वॉर पे कोई बता रहा है, कोई अमेरिकन प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स या ये सारे के सारे बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसमें किस तरीके से रशिया के खिलाफ नेटो काम कर रहा था, नहीं बता रहे। फैक्ट रिमेन्स कि रशिया का भी एक वर्जन है, जो वर्जन बताया जाना चाहिए। ये पूरी की पूरी प्रेस, यही यूरोपियन प्रेस चीख रही थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया तेल खरीद रहा है यूरोप से, सॉरी रशिया से, तो इंडिया रशिया को फंडिंग कर रहा है, रशिया की वॉर जो है उसको फंडिंग कर रहा है। इसी यूरोपियन प्रेस ने पूछा, हमारे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा, आज इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम टू यूरोप, आप कौन फंडिंग कर रहे हैं भाई, रशिया से तेल आप कौन खरीद रहा है, इंडिया के पास अपने पास तो इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं है, रशिया से खरीदता है उसे रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा है। ये 3 महीने पहले स्टैंडर्ड्स अलग थे, आप अलग हो गए इनके। यूरोप सबसे ज्यादा, इससे पहले सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा तेल बेचता था यूरोप को रिफाइंड, और आज इंडिया बेच रहा है, इंडिया भी तो रशिया से लेके बेच रहा है, तो सच तो यही है ना। इनकी इनका जापान खरीद रहा है रशिया से, हमारे ऊपर उंगली उठाने सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन इनके अपने अंदर क्या हो रहा है, क्या रशियन गैस जो यूरोप खरीद रहा है उससे फंडिंग नहीं हो रही, क्या यूरोप के न्यूज़पेपर्स और यूरोप के न्यूज चैनल्स, क्या उन्होंने उस तरीके से इसको बोला है, क्या डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि यस वी आर किलिंग पीपल इन यूक्रेन, नो दे हैव नॉट डन इट। और यूक्रेन में हो क्या रहा है, एक तरफ से रशियन गैस खरीद रहे हैं, रशिया को डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है, स्विफ्ट से निकालने के बाद इंडिया से तेल खरीद रहे हैं, डॉलर्स रशिया को जा रहे हैं, और यूक्रेन को हथियार यही लोग दे रहे हैं, यही लोग दे रहे हैं यूक्रेन को हथियार, दोनों तरफ से यही लोग कर रहे हैं और बीच में लोगों को मरवा रहे हैं। क्या इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी है कभी, क्या बीबीसी ने कभी बोला है, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी बोला है कि हम ही यूरोपियंस को मरवा रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें मंगवाता है मगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हो जाती हैं। ऐसा ही सिनेरियो, खैर ये डिप्लोमेटिक चीजें ये तो हमेशा से हमारे पॉलिटिक्स का पार्ट रही है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसकी स्टेटमेंट से आपने डिनाई किया कि रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर फ्रीडम है, वो लोग अपने मुताबिक इंडेक्स बनाते हैं। इसमें आपने जिक्र किया अमेरिकन का, तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अमेरिकन की आपने बात की, तो हमेशा से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिकन हुकूमत करते आए हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर, बट नाउ इफ वी सी तो करंटली वर बेसिक अपडेट थी कि अजय बंगा वो आने वाले दिनों में 2 जून को सीईओ बनने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। इससे पहले हमारे पास सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ वहां से आए, और भी बहुत सारे शनैल ब्रांड की सीईओ इंडिया से आई, न जाने कितने ऐसे बड़े ओहदे हैं जिन पे इंडियंस एज अ सीईओ फाइज है। और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट्स की, मिनिस्टर लेवल के लोगों की, तो उसमें भी इंडियंस पीछे नहीं रहे, मगर अमेरिकन ने खुद खुद सिलेक्ट किया है कि इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे को एज अ सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि हिस्ट्री में शायद पहली दफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी तो आप अमेरिकन को वो कर रहे थे कि अमेरिकन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, लेकिन ये डिसीजन भी तो अमेरिकन का है। देखिए, अजय बग्गा यहाँ से बड़े ही हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं, इससे पहले उन्होंने वहां पे बड़ी सारी पोस्ट संभाली हैं और वो अपनी काबिलियत पे वहां पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सुंदर पिचाई भी अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, सत्या नडेला अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, ट्विटर के चीफ अब नहीं रहे, वो भी काबिलियत से पहुंचे थे, इस यूट्यूब के चीफ भी इंडियन है, ये इंडियन सारे के सारा हमारा डायस्पोरा जो है वो यहाँ से पढ़ के गया था और वहां पे काम कर रहा था। 3 यूरोपियन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं, एक ब्रिटेन के ऋषि सोनक, एक आयरलैंड के लियो वराडकर और एक पोर्चुगल के, ठीक है, ये 3 कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। साथ इंडियन में और भी कई कंट्रीज की अगर बात करें तो डायरेक्टली इंडियन डिसेंडेंट्स हैं और वो वही नाम लेते हैं, मॉरिशस की बात करें या सूरीनाम की बात करें, वो इंडियंस हैं, डायरेक्ट इंडियंस हैं और वो उनकी उनकी इंडियन एंसेस्ट्री पे दे आर प्राउड ऑफ इट।
यहाँ तक के हम लोग अगर बात करें तो इंडियंस कई जगह फैले हैं, कई जगह हैं, और इंडियंस हमेशा से एक चीज पे फोकस करते रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन लें तो हम लोग कहीं पे अचीवमेंट ले पाएंगे। और ये उसी क्वालिटी अचीवमेंट का कमाल है जो कि हम लोगों ने पिछले 50 साल में जनरेट की है, उसी क्वालिटी अचीवमेंट का कमाल है जो कि हमारे हमारे जो लोग हैं वो आज उस लेवल पे पहुंचे हैं। हम लोगों ने IITs में डाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा, हमने IIMs में डाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में डाला है, हम लोगों ने साथ में ये स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अब हम लोग एविएशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पे अभी हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस आ रहा है सेमीकंडक्टर्स पे, तो हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारी IITs, हमारी हमारी जो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इमेजिन कीजिए कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, दिल्ली एंड NCR, NCR मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली के आसपास के जितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं। जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिल्ली और NCR में हैं, उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे हमारे जितने स्टार्टअप्स सिर्फ कश्मीर में, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में हैं, उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं। तो अगर आप डेवलपमेंट की ओर देखेंगे तो यू विल डेवलप, और अगर आप सिर्फ मदरसे बनाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, यू गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे कंट्रीज के साथ, कुछ दूसरे कंट्रीज के साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मैन पावर पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, हम लोगों ने मैन पावर को पढ़ाया, और हमारे यहाँ इस पे फोकस किया गया कि हर 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 स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस हों, हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों। साथ में हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका सपना था कि हम 21st सेंचुरी में आए, और हम आए हैं 21st सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी में वी केम विद अ बैंग। वी केम विद अ बैंग मीन्स हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक अच्छे लेवल पे हैं, और हम लोगों का सॉफ्टवेयर इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ना, हम गेहूं, पहले किसी जमाने में हम सुनते थे गेहूं और चावल एक्सपोर्ट है, और गन्ना हमारा एक्सपोर्ट है, शुगर, आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, और इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो ये चीज जो हुई किसकी वजह से, वो जो सपना राजीव गांधी ने देखा था, राहुल गांधी के फादर ने, वो कंप्यूटर्स लाए थे, वो तो 21st सेंचुरी नहीं देख पाए, 1991 में उनको असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन वो हम देख रहे हैं आज। और ये दिस थिंग वाज कंटिन्यूड बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस चीज को आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एक सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर के सामने की तरफ सामने आ गया। इस सारी चीज को जो है पूरी दुनिया सराह भी रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है, और शायद यही वजह है कि लोग इंडिया को गिराएं, ऊपर उठाएं, दुश्मनी निभाएं, नहीं निभाएं, दोस्ती करें नहीं करें, मगर अपने मफाद के लिए उनको इंडिया का टैलेंट उठाना पड़ता ही पड़ता है। जैसे अभी अमेरिकन को आप देख लें, अमेरिका भी इस चीज को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गया है कि इंडिया के अंदर से टैलेंट निकल रहा है और हमें उस टैलेंट की कदर करनी है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात कही कि पाकिस्तान जो है मदरसे बनाने पे फोकस कर रहा है, तो मेरी ऑडियंस भी अक्सर इस तरह के मुझे कमेंट्स करती है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो शायद लोगों को ये लगता है या बाहर फॉरेन कंट्रीज को ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट मदरसों पर कर रहा है कंपैरेटिवली बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि कहीं भी नहीं कर रहा, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में बल्कि मदरसों पे भी नहीं हो रहा। मदरसे भी यहाँ वही चल रहे हैं जो बरसों से चलते आ रहे हैं, या अगर कोई छोटे मोटे बनते भी हैं तो वो लोग बनाते हैं जो सवाब के लिए बना देते हैं, या फिर सदके के नाम पे पैसे निकाल रहे होते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए जो लोग पैसे निकालते हैं अल्लाह के नाम पे, वो उनके मदरसे मस्जिदों में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत हमारी जो है स्पेसिफिकली अमाउंट निकाल के और उसके मदरसे तामीर करा के लोगों को फैसिलिटेट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस चीज को देखते हुए कहाँ क्या सजेशन होगा आपका पाकिस्तान के लिए फॉर I'll tell you, फ्यूचर? I'll tell you. देखो, गवर्नमेंट तो किसी भी कंट्री की मदद से नहीं बनाती, मैं मानता हूं। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ने गांव गांव में, इंडिया के बहुत कम ऐसे गांव बचे होंगे जिसमें स्कूल ना हो, प्राइमरी स्कूल, KG to 5th,
प्राइमरी स्कूल में ही बच्चा चला जाएगा, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूट करेगी और जितने भी बच्चे हैं उनको मिड डे मील्स उसमें दी जाएगी। मतलब बच्चा जो आ रहा है उसको खाना वहीं मिलेगा, स्कूल में ही मिलेगा, राइट। उसके लिए फंड है और हम लोग उसको वो पैसा निकालते हैं, वो पैसा दिया जाता है, वो गांव गांव तक पहुंचता है, राइट। साथ में जिसने इसके बाद भी एजुकेशन की आपको हमने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया, उसके बाद भी किसी ने अपने बच्चे को मदरसे में या गुरुकुल में भेजना है तो भेज दो। जैसे इस्लाम में मदरसा है वैसे ही हिंदुइज्म में गुरुकुल है, तो आपको उसके बाद ही भेजना है भेज दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दे दी, तो ज्यादातर यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं गाँव में। शहरों में तो क्या फैसिलिटीज हैं, रोड सब कुछ है फिर शहरों में, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, और वो भी गाँव एक रिमोट गाँव में भी होगा ये। अब आप किसी रिलीज से बाहर निकल रहे हैं, बच्चा आपका फिफ्थ से ऊपर जा रहा है, फिफ्थ सिक्स टू एट, तो ये भी दो तीन गांव में छोड़ के एक स्कूल निकल आएगा, या हो सकता है कि हर गांव में भी एक निकल आए, ठीक है, वहां पे बच्चे चले जाते हैं। अब नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ, इसके लिए आपको तीन चार गांव में से एक में जरूर स्कूल मिलेगा, तीन गांव में नहीं या दो गांव में, बच्चे को बच्चा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाएगा उससे उतने में स्कूल मिल जाना चाहिए। जब ये फैसिलिटीज बनेंगी तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मदरसे भेजेंगे ही नहीं। NWFP यानी कि ख्याबर पख्तूनख्वा, वहां पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं बनी है पिछले 30 साल में, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग कर रहा है। गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको इग्नोर भी कर रही थी क्योंकि अफगानिस्तान में देवर फाइटिंग और यहां से बहुत सारे लड़ाके जा रहे थे। अब इस चीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है और वो अब भी नहीं किया गया है, मेरे हिसाब से ऐसा है क्योंकि मैं उस एरिया में गया नहीं हूं इसलिए। लेकिन मुझे इतना भी पता है, अखबारों आप ही के अखबार पढ़ता हूँ पाकिस्तान के, तो वहां पे जो पोलियो की दवाई देने आते हैं जो डॉक्टर्स, उनको भी गोली मार दी जाती है। तो वहां पे बच्चों को एजुकेशन देने जो टीचर्स जा रहे होंगे उनकी क्या हालत रही होगी। इंडिया में जो एरिया है नक्सल एरिया जिसमें नक्सलाइट बहुत एक्टिव है, दंतेवाड़ा हुआ या गढ़चिरौली हुआ या कोई और, गढ़चिरौली तो फिर भी बहुत बेटर लोकेशन है, बस्तर हुआ दंतेवाड़ा हुआ, वहां पर भी एजुकेशन सिस्टम अपना काम कर रहा है और बहुत बखूबी कर रहा है। अब नक्सलाइट्स हमारे बहुत सिमट गए हैं, बहुत कम एरिया में रह गए हैं, और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे वैनिश, बड़ी जल्दी खत्म हो गया सर, इनको। मुझे मुझे बाप दादा की बात काट रही हूँ। आज जिस इंडिया की एजुकेशन की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, ना सिर्फ आप बल्कि हर हिंदुस्तानी आज इंडिया की एजुकेशन हो या इंडिया को, वो कहते हैं ना, भाग लग गए, भाग लग गए, तो आज इंडिया की हर चीज सोने की हो गई, उनका कोयला भी सोने का हो गया। मगर कुछ बरस पहले की ही बात है, इन्हीं गांव के देहात के इलाके थे जिनके आज आप कह रहे हैं कि हर जगह स्कूल मिल जाएगा, वहां पे शौचालय के नारे लगाए जाते थे, शौचालय तक मुहैया नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में शौचालय से स्कूल तक का सफर भी तय हो गया? राइट मैडम, ऐसा है, ये हर चीज सोने की अपने आप नहीं हुई है, ये हमने मेहनत की है, ये हमारी मेहनत थी जो हमने अपने आप बनाया। यस टॉयलेट्स नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको स्पेसिफिकली काम करवाया इस पे, क्यों नहीं थे इसके रीजंस हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये थी कि टॉयलेट्स ट्रेडिशनली सब खेतों में जाते थे, तो इंडिया की लोगों की प्रायोरिटी ये रही कि खेतों में जाने दो लेकिन हर बच्चे को पढ़ाना है। हमने स्कूल पहले बना दिया और बाद में टॉयलेट्स बने, नो डाउट अबाउट इट। ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों का पीछे पीछे आता रहा लेकिन स्कूल्स हर गांव में से पहले बने, ये इंदिरा गांधी के टाइम से काम हो रहा था हर स्कूल हर गांव में स्कूल बनाने का, जिस पर अब जाके काम शुरू हुआ है। एंड इफ यू लुक एट इट, दिल्ली का, मैं किसी एक पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर, आप जाकर के गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, भूल जाएंगे आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल को, न्यूयॉर्क के स्कूल्स भी उसके उसके पैरिटी पे नहीं है। स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, स्विमिंग पूल, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बना हुआ है। लुक एट इट, आप प्रेस देख लो बच्चों की, क्या प्रेस मिलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेट पे सर्च मारो मिलेगी आपको, और ये गवर्नमेंट का एड मत देखना, नॉर्मल लोगों ने जो फोटो डाली वो देख लेना आप। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। सो देयर नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर गांव में ये फैसिलिटी है, लेकिन दिल्ली में आइए, हम लोगों की प्रायोरिटी ही एजुकेशन थी पहले दिन से।
और उसी की वजह से आज हम उस लेवल पे आए हैं कि बग्गा जी और सत्या नरेला ये सारे के सारे लोग हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए। तो ये भी सोचना, हमारे पास इस समय जो आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के, 50% के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए। ये हमारी उस डेमोक्रेसी की कमाल है जिसमें हम लोगों ने अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, और छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली मुंबई कलकत्ता से आ रहे हैं, नो 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 नो, दे कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल सिटीज, और वो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम पास कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि दे हैव बीन डूइंग वर्क हार्ड, एंड हम लोगों ने ये सारा का सारा अपने आप नहीं बना है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। इनसेसेंटली गवर्नमेंट काम कर रही थी, पिछले 30 साल से गवर्नमेंट लगी थी, करप्शन हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन करप्शन अगर हुआ है तो 100 रुपए आए हैं तो 90 लगे हैं, 10 ही खाए गए होंगे। लगाया गया है काम, काम हुआ है, और उस काम के साथ साथ जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिख रहा है, ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लुक एट द रोड्स, जो रोड्स बनी है इंडिया में, जो काम नितिन गडकरी ने किया, रिमार्केबल। मैं आपको बताता हूं, अब मैं रोहित जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है। अभी मैंने अब बात की हम लोगों ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो है ये आया है और वो झूठ हो सकता है। अटैक की बात हो तो पाकिस्तान ने करवाया है। करप्शन की बात हो हर मुल्क में होती है, हर चीज में। अब इंडियंस ठीक है, एक पॉजिटिव साइड हो गई, बहुत पॉजिटिव, चलो 80% भी पॉजिटिव हो गया, 20% भी इंडियंस एडमिट करने को तैयार नहीं है कि वहां गलत कुछ हो सकता है, हो रहा है या हुआ होगा या होगा। वो पिछला सारा भी उनका जो है वो बहुत पॉजिटिव हर बंदे के माइंड में। और ऐसा नहीं है कि आपके या किसी और के, मुझे बताएं ये लोगों की सोच ऐसी है या इसको आप फ्रीडम कह रहे हैं या ये फ्रीडम जबरदस्ती लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए फैक्ट इज के मैंने तो ये डिनाई किया ही नहीं कि करप्शन नहीं है, करप्शन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट, विदाउट करप्शन कोई कंट्री नहीं चलता है, हमारे कंट्री में भी है, ठीक है। मैंने अभी बोला कि हाँ, करप्शन की स्टेटमेंट पे रिप्लाई आता है, ये तो हर कंट्री में होती है, यस, सेम स्टेटमेंट। मैं मान हाँ रहा हूं, मैं उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, देखो करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इससे पहले से चल रहा था, मोदी गवर्नमेंट ने उसको 10 टाइम स्पीड अप कर दिया। हम लोग मनरेगा चलाते हैं, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसके पास रोजगार नहीं है वो जाकर के गवर्नमेंट से रोजगार ले सकता है, और डीडी के 250 रुपए की कुछ कुछ स्टेट्स में 190 रुपए, कुछ में 250 है, कुछ में 270 है, डीडी का पैसा आता है। पहले होता क्या था, वो ग्राम गांव के चीफ के पास पहुंच जाता था, गांव का चीफ वो देता था लोगों को, अब वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, 50 लिखता था, बाकी का पैसा खा जाता था। इसको खत्म करने के लिए सबके जनधन अकाउंट्स बना दिए गए, सब आदमियों के अकाउंट बना दिए, गरीब से गरीब मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का भी अकाउंट बना दिया। हम लोगों ने उतने अकाउंट्स पर मंथ खोले थे जितनी जापान की पॉपुलेशन है, और खोल करके हम लोगों ने सबके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर, जो भी है पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, अब इसमें बीच वाला खाई नहीं सकता। नाउ आई टेल यू, टोल टैक्स कलेक्शन, रोड का जो टैक्स होता है टोल, उसका कलेक्शन, इसमें बहुत हेरा फेरी हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, कितना टैक्स आया है कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता था टोल, कंपनीज बताती ही नहीं थी कि कितना टैक्स आया है। अब लग गया फास्ट टैक्स सिस्टम, आपकी कार जाएगी टैक्स टोल टैक्स के नीचे, ऊपर से वो स्कैन करेगा आपका नंबर और आपके अकाउंट से पैसा अपने आप डिडक्ट, और सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में, किसी के हाथ में पैसा जाता ही नहीं है, वो आप जितना पैसा है सीधे रोहित अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, गवर्नमेंट नई रोज बनाती है उससे। पहले अगर कलेक्शन 200 करोड़ आ रहा है तो प्राइवेट वाला बताता ही 20 करोड़ था, खा जाते थे बाकी सारा पैसा, अब अकाउंट टू अकाउंट जाता है, उसका सारा खाता है, मेरे अकाउंट से कितना पैसा निकला और उसके अकाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना गया, सब कुछ थैंक्स टू नितिन गडकरी एंड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये इंप्लीमेंट हुआ फास्ट टैक्स सिस्टम। आज की डेट में आप चाहिए, पहले टोल टैक्स पे इतनी लंबी लाइन हुआ करती थी, वो मैनुअली आपको पर्ची देता था, आपसे पैसे लेता था, फिर पर्ची देता था, फिर पैसे लेता था,
आज आपको पर्ची देना, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। कार जाके आप 1 मिनट के लिए रोकिए, 1 मिनट नहीं, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में आपको पैसा डिडक्ट हो जाता है। सामने से गेट खोलेगा, आप निकल जाइए। कोई और टोल टैक्स पे जो आदमी बैठा होता है वो सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि पैसा डिटेक्ट हो गया, गो, दैट्स इट। उसको कोई सर, कैश नहीं लेना, कोई कैश नहीं लेना। ये सारी इनोवेशंस नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया के अंदर आई हैं। बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी की चीजें हमें इनोवेट होती भी हर गुजरते दिन के साथ दिखाई दे रही होती है। लेकिन अगर बात करूं, अभी मैंने आपसे जो सवाल किया था करप्शन और इंसानों के रेलिवेंट, एक तरफ इंडिया की ये सारे सिनेरियोस को मान के रख लेते हैं जो आपने सब बोले, 110% सही है। दूसरी जानब, अभी कुछ ही रोज पहले की बात है, अतीक अहमद मर्डर केस सामने हुआ। अतीक अहमद जैसे लोग भी उठा के इतने बरसों से कहाँ रखे हुए थे, पार्टीज के अंदर, मतलब जो लॉ ब्रेकर है उसी को लॉ मेकर बनाया हुआ था। ये भी तो इंडिया की पॉलिसी में था, ये भी तो मतलब मैम, हुक्मरान इंडिया ने ही सिलेक्ट किया था, उसी को उठा के जो है ना आपने पॉलिटिकल पार्टी में घुसाया हुआ था उस इंसान को, और उसी का मर्डर यस, केस सामने आ गया। उसे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बैठाया था, उसे पार्लियामेंट में बैठाया था हमने। हाँ, ही वाज और अ लॉ वो मेकर, जब वो उस पर जो पार्लियामेंट में एफआईआर था। फाइल हुई, वो वहां बैठ के इतना टाइम तक अपनी पार्टी और वो हर चीज मैनेज अंदर बैठ के कर रहा था, तब कहाँ थी ये सारे सिनेरियोस, तब कहाँ थी ये सारी जो है ना टेक्नोलॉजी की चीजें, इंडियन ब्रेन, तब ये सब नजर क्यों नहीं आया? मैडम, इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेसी। लोग जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा, कोई भी हो। और एक चीज हमारे लॉ में है, जिस आदमी के ऊपर केस साबित हो गया, कोर्ट ने जिसको गिल्टी प्रूव कर दिया, वो केस नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, 6 साल के लिए होता है। अतीक अहमद पे जब तक केस चल रहे थे तब तक, एक चीज और हमारा लॉ बोलता है कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं होता उसको इनोसेंट माना जाए। और ये बात सब माने कि उस समय जब तक अतीक अहमद एमपी थे, पार्लियामेंट में थे या विधानसभा में थे, तब तक उनके ऊपर कोई प्रूव नहीं हुआ था, उनको पहली बार सजा हुई थी। पहली चीज। दूसरी चीज, अतीक अहमद ही नहीं, हमारी पब्लिक जिसको वोट करेगी वो पहुंचेगा इसके इसके एग्जाम्पल्स हैं। मनमोहन सिंह जैसा काबिल आदमी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा 10 साल, वो इलेक्शन हारे। और उसी इलेक्शन में फूलन देवी जो कि डकैत थी, डाकू थी, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में, उसके पास फूलन देवी का तो सबको पता है कि शी वॉज अ डाकू, डकैत। फूलन देवी मिर्जापुर से इलेक्शन जीती और पार्लियामेंट में पहुंची। तो ये सोचने वाली बात है कि मनमोहन सिंह जैसे आदमी इलेक्शन हारे, काबिल आदमी है, उनसे काबिल कौन होगा यार? इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को उस मतलब जमीन से उठा के और अर्श तक पहुंचा दिया। लेकिन वो इलेक्शन हारे, क्यों हारे? क्योंकि लोग जो वोट करेंगे जिनको वो चाहेंगे, और वो साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे। पाकिस्तान में आपको बताऊं, जब इलेक्शन होते हैं ना तो इस तरह की करप्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से अंगूठा सिस्टम और इस तरह की सारी चीजें चलती आ रही थी, जिसमें बहुत दफा करप्शन हुई है और हमेशा होती आ रही है, और अभी तक वो चीज इनोवेट नहीं कर पाए हम, नहीं हो पाई, और अभी भी होता है ये सिलसिला। तो मुझे बताएं कि क्या इसमें भी इंडिया का कोई रोल है करप्शन में? मैडम, एक बात ये है कि अगर इंडिया में करप्शन ही होती तो मनमोहन सिंह को क्या प्रॉब्लम थी? मनमोहन सिंह तो जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन कहीं से भी करप्शन ही हो रही होती, कहीं पे वोट डली रही होती, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो सारी एजेंसीज आती हैं, आर्मी तक प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, वो अपने आप को जिता ही लेते ना। नहीं जिता पाए ना, जब 10 साल पूरा जो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो राज्यसभा मेंबर थे, ही वाज अ राज्यसभा मेंबर, ही वाज नेवर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, वो तो राज्यसभा से आए। तो ऐसे भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। एंड फूलन देवी का जीतना ये बात तो प्रूव करता था, और फूलन देवी छोड़िए अतीक अहमद का, लोग वोट दे रहे हैं। अब वोट किसी डर से दे रहे हैं या कैसे भी दे रहे हैं, वोट लोगों की दी हुई है सीधी तो मर्डर सीधी। केस पे आप क्या कहेंगे फिर? पहले उसके बेटे का हुआ, उसके भाई का हुआ, उसका हुआ, बेटे का मर्डर नहीं हुआ है, बेटे का एनकाउंटर हुआ है। बेटा वीडियो में दिख रहा है बॉम्ब फेंकने वाले के साथ गोली चलाते हुए, और वो बेटे को पुलिस ट्रैक कर रही थी, और बेटे ने जब सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने गोली चलाई और वो मरा गया। ठीक है, उसके बाद
अतीक अहमद की इतनी दुश्मनी थी, उन्होंने इतने मर्डर कराए थे, लोगों से दुश्मनी थी, तो कुछ लोगों ने आके अतीक अहमद और भाई का मर्डर किया। वो भी उसमें भी अगर पुलिस ही अगर पुलिस ही या गवर्नमेंट ही ये काम करना चाह रही थी, तो गवर्नमेंट के पास एन नंबर ऑफ तरीके थे ये काम करने के। मीडिया के ग्लेयर में, मीडिया के कैमरों के सामने तो ये काम बिल्कुल नहीं करती। तो ये देखने वाली बात है। ठीक है, ऑफकोर्स अब जो होना था, और एक आदमी जो कि क्रिमिनल रहा है और जिसके क्रिमिनल होने पे कोई शक नहीं है, कोर्ट ने प्रूव कर दिया, अगर उसका मर्डर हो गया तो आई डोंट थिंक कि इतना चीखने की कोई बात है। हो गया फाइन। तो हम मैं मेरी कोई सिंपैथी किसी क्रिमिनल एलिमेंट से नहीं होती है। अगर योगी गवर्नमेंट की बात करें तो योगी गवर्नमेंट कभी मुस्लिम या हिंदू नहीं करती है। एक और हिंदू विकास दुबे, उसका भी एनकाउंटर हुआ था, इसी योगी गवर्नमेंट ने किया था। और अगर योगी गवर्नमेंट अगर क्राइम से कोई वो नहीं कर रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, तो दैट इज गुड फॉर द पीपल, नॉट फॉर द योगी गवर्नमेंट। सर, ये कि हर गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। खैर रोहित जी, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे तमाम सवालों का बहुत सही से जवाब दिया आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमेशा की तरह नाउ आई एम क्लियर आउट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो को करते हैं एंड, कोई स्पेशल या कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहें मेरी ऑडियंस को? मैसेज यही है कि बस देखते रहिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि वो कंट्रीज जो कि आज से 30 साल पहले आईएमएफ के सामने गए थे, वो आज आसमान से बातें कर रहे हैं। तो इस मॉडल को तो देखकर इंप्लीमेंट कर लें प्राइम मिनिस्टर। और जो काम मनमोहन सिंह जी को एक फोन ही कर ले तो पता चल जाएगा इकोनॉमी कैसे बेटर होती है। आई थिंक दे शुड डू इट। ये मशवरे खैर हमारी आवाम भी दे दे के थक गई है। थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत अच्छा लगा से बात करके। आपका टाइम बहुत कीमती था, आपने वो दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। फर्दर भी होपफुली हम लोग सेशंस रखते रहेंगे। आज की वीडियो से मुझे और मेरे गेस्ट को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह।